Hello everyone, welcome to my video. So today we discuss about styling mistake. I mean, हम जो red साड़ी पहनते हैं उसके ऊपर की जो mistakes होती हैं उसी के बारे में discuss करने वाले हैं. मैं आपसे quick styling mistake share करूंगी जिसके help से आप अपने mistakes को correct कर सकते हैं. So आपको ये video end तक के जरूर देखना है because मैंने guys आपके लिए बहुत मेहनत से ये news ideas share किया है. मेरा आगे बढ़ना कैसे पॉसिबल हो सकता है आपके सपोर्ट के बिना. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट मिस्टेक आप जो रेड साड़ी के साथ करते हैं वो है हेयर स्टाइल मिस्टेक्स. आपको हेयर को ज्यादा एक्सेसरीज नहीं लगानी है, सिंपल क्लासिक रखनी है. बहुत ज्यादा हेयर एक्सेसरीज आपको अवॉइड करनी है. अगर रेड साड़ी पे आपने हेयर एक्सेसरीज लगाई है तो आपका जो रेड साड़ी का ग्रेस है वो कम हो जाएगा क्योंकि रेड साड़ी अपने आप में एक कंप्लीट लुक देती है. सो हेयर स्टाइल के ऊपर आपको फोकस करना है और सिंपल क्लासिक हेयर स्टाइल रखनी है और पूरी कोशिश करें कि आपके हेयर जो है वो सिंपल लगनी चाहिए. आपको बहुत ज्यादा हेयर्स में फ्लावर्स नहीं लगाने हैं. हेयर एक्सेसरीज बिल्कुल भी अवॉइड करनी है. अपने हेयर्स को गजरा लगा सकते हैं, हेयर बन लगा सकते हैं, उसके ऊपर सिंपल गजरा लगा लिया. या फिर अगर आपको गजरा पसंद नहीं है तो आप अपने हेयर्स पे सिंपल रोज फ्लावर लगा सकते हैं, उससे भी लुक बहुत अच्छा आता है. करवा चौथ के लिए रेडी हो रहे हैं या फिर आप पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं तो अपने हेयर्स को सिंपल स्ट्रेटन कर ले या फिर और सिंपल कर्ल करें या फिर सिंपल हेयर स्टाइल्स में आप ज्यादा अच्छे दिखेंगे. एज अ ब्राइड आप रेडी हैं तो बात अलग है. आपने देखे होंगे रेड साड़ी पे जो लोग सिंपल बन बनाते हैं या फिर सिंपल हेयर स्टाइल रखते हैं और स्ट्रेटन हेयर लगते हैं या फिर कर्ल हेयर्स को करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं. क्यों तो आपको हेयर एक्सेसरीज ऐड नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें. नेक्स्ट मिस्टेक इज आपको रेड साड़ी के साथ लाइट कलर के ब्लाउज वियर नहीं करने हैं. डार्क कलर के ब्लाउज वियर कर सकते हैं. साड़ी के साथ हमेशा ब्लाउज आता ही है. रेड साड़ी के साथ आप कुछ इस तरह से ब्लाउज मैच कर सकते हैं. अगर आप रेड कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ रेड कलर का ब्लाउज हो तो ज्यादा बेटर है. वो सेम होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा. आपके रेड साड़ी के साथ डार्क ब्लाउज होगा तो चलेगा लेकिन लाइट ब्लाउज नहीं होना चाहिए. साड़ी के साथ ब्लाउज आता है पर क्या होता है कि साड़ी का जो ब्लाउज होता है वो उसका फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट आता है. फैब्रिक डिफरेंट होने की वजह से कलर में वेरिएशन आता है. सो मेक श्योर साड़ी के साथ जो ब्लाउज आता है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए या फिर सेम कलर के होना चाहिए, लाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. अगर आप रेड साड़ी के साथ लाइट कलर का ब्लाउज पहनते हैं तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं आता है. नाउ इफ यू वियर कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, नाउ ये जो ब्लाउज के कलर है ना इसमें भी आपको डार्कर वेरिएशन उठाने हैं. जैसे कि आप अगर ग्रीन पहन रहे हैं तो ग्रीन लाइट ग्रीन नहीं होना चाहिए, डार्क ग्रीन होना चाहिए. ब्लू पहन रहे हैं तो लाइट ब्लू नहीं, डार्क ब्लू होना चाहिए या फिर डार्क पर्पल. आप इस तरह से वेरिएशन को ऐड कर सकते हैं. ये सारे कलर बेस्ट लगते हैं इन रेड साड़ी. कहने का मतलब आपको लाइट कलर के ब्लाउज बिल्कुल भी वियर नहीं करने हैं. रेड साड़ी के साथ डार्क कलर के ब्लाउज ही मिक्स मैच करना है. एंड नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक कि आप रेड साड़ी के साथ ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है, उससे लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है. अगर आपको रेड साड़ी के साथ ज्वेलरी पहनना ही है तो आपको ग्रीन कलर भी कीजिए, उससे लुक बहुत अच्छा आता है. न्यूट्रल से भी ज्यादा अच्छा लगता है डार्क ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन. आप नेकलेस छोटे सिंपल इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं. रेड कलर के इयररिंग्स भी पहन सकते हैं. रेड आउटफिट के साथ ग्रीन ज्यादा अच्छा लगता है. ऑल्सो डोंट वियर टू मच ज्वेलरी बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेड कलर अपने आप में एक कम्प्लीट कलर है. सो सिंपल पीस आपको ऐड करना है. आप सिंपल झुमके भी पहन के अपने जो रेड साड़ी का जो ग्रेस है ओवरऑल लुक है आप उसे इनहेंस कर सकते हैं. रेड साड़ी के साथ छोटा सा चोकर पहन लो और उसके साथ छोटे छोटे इयर रिंग्स पहन लो, उससे भी लुक बहुत बेटर आते हैं. अदरवाइज आप स्टेटमेंट इयर रिंग्स पहनो उतना ही काफी है. एंड ऑल्सो बैंगल्स में बेस्ट लगती है प्लेन चूड़ियाँ. जितने भी आपको चूड़ियाँ पहननी है पहनो बट सिंपल होनी चाहिए और उसके आगे पीछे आप कड़े ऐड कर सकते हैं. और जो बैंगल्स होते हैं वो हमारे जो रेड साड़ी होती है उससे मैचिंग होनी चाहिए या फिर आप ब्लाउज के मैचिंग से भी आप अपने बैंगल्स पहन सकते हैं, उससे भी लुक ओवरऑल बहुत अच्छा है. सो इस मिस्टेक पे भी ध्यान रखें. आपके जो चूड़ियां होती है वो ज्यादा चमकीली नहीं होनी चाहिए, वो एक तो साड़ी की मैचिंग होनी चाहिए या फिर ब्लाउज की मैचिंग होगी तो ज्यादा बेटर होगा.
आप रेड साड़ी के साथ सिंपल बैंगल्स पहनो, उसके आगे पीछे कड़े लगा लो, फिर आप उसका लुक देखो, आप उसमें ही क्लासी लगते हैं। एंड कमिंग टू द फैब्रिक, आप शिफोन या फिर जॉर्जेट वाली साड़ी के साथ आप ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं। आप ज्वेलरी में कुंदन पहन सकते हैं, प्यूरिस पहन सकते हैं, या फिर टेम्पल झुमके भी ज्यादा बेटर लगते हैं। ऑर्गेंजा साड़ी के साथ आप कुंदन पहन सकते हैं, पर्ल की डिटेलिंग ज्वेलरी पहन सकते हैं। नेट की जो साड़ी होती है रेड कलर की, उसके ऊपर स्टोन या फिर एडी के जो इयररिंग्स होते हैं वो ज्यादा बेटर लगते हैं। अगर आप कॉटन या फिर लेरन में साड़ी पहन रहे हैं तो उसपे सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़े एंटी फिनिश में जो ज्वेलरी होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट मिस्टेक होती है मेकअप। आप अपने मेकअप को सटल रखिए, सो मेक श्योर आपको रेड साड़ी पे ज्यादा मेकअप नहीं करना है। अगर आप रेड साड़ी पे ज्यादा मेकअप करेंगे तो जो आपका रेड कलर का जो ग्रेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेड साड़ी के ऊपर आपको मेकअप पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड कलर अपने आप में एक कंप्लीट लुक देता है। सो मेक श्योर आप अपने मेकअप को न्यूट्रल रखिए। ज्यादा से ज्यादा आप बोल्ड लिपस्टिक लगा सकते हैं, आई शेडो को भी न्यूट्रल रखिए। जो मैरिड वुमेन्स होती है उनके तो ऑलरेडी सिंदूर भी रेड होता है, बिंदी भी रेड होती है। सो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जो मेकअप है बिल्कुल भी लाइट रखना है। लिपस्टिक को न्यूट्रल रखिए, आपका जो साड़ी का कलर है उससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखिए, रेड कलर को आपको ज्यादा मेकअप में नहीं रखना है, पूरा मेकअप को आपको न्यूट्रल ही रखना है। एक चीज आपको रेड में ऐड करना है वो है नेल पेंट। आप रेड नेल पेंट लगा सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा रेड लिपस्टिक हो गया, उसके ऊपर ऐसा कुछ भी रेड रेड नहीं ऐड करना है। सो मेक श्योर आपको सारी चीजों को न्यूट्रल ही रखना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज रेड साड़ी के साथ हमें रेड कलर का पर्स कैरी नहीं करना है, रेड कलर के एसेसरीज कैरी नहीं करने हैं, रेड कलर की जो सैंडल्स होती है उसे भी आपको अवॉइड करना है। जितनी भी एसेसरीज हैं आप रेड साड़ी के साथ कैरी कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करना है। सारी चीजें आपको न्यूट्रल ही रखनी है। ओके गाइस, तो ये सारी मिस्टेक आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी पार्टी में जाना है या कहीं फंक्शन में जाना है तो ये मेरे टिप्स को जरूर याद रखें। सो ये मेरे वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। सो मच वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।